वाओ, इन एंटीक कलेक्शन से तो तुम्हारा घर एक म्यूजियम लग रहा है। ये कलेक्शन मेरे चाचा जी की है। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बात तुमने अपने पेरेंट्स को बताई है? नहीं। क्यों? मेरे बारे में उन्हें पता है, उन्हें मुझ पे भरोसा है। मैं अनजान हूं और तुमने मुझ पे भरोसा किया, थैंक्स। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम यहां इसलिए हो क्योंकि मेरे अंदर जो डर है वो तुम ही दूर कर सकते हो। बात तो तुम डर की कर रही हो, लेकिन वो तुम्हारे चेहरे पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। डर मेरे अंदर है, मेरे चेहरे पर कैसे दिखेगा? इसलिए ये चेहरा बहुत सुंदर है। शेखर, तुम मेरे चेहरे पर ध्यान मत दो, तुम जिस काम के लिए आए हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो। जिस काम के लिए आया हूं उस पर ध्यान दूं, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम? बीबीसी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तुम्हारे प्रोजेक्ट में मैं भी एक भाग हूं क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत। यहां बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, कोई म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही हो? ये सब तो सिर्फ कलेक्शंस हैं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं बजा सकती। मैं तो एक सीटी तक नहीं बजा सकती। थैंक यू। ए, ये पापा की है। अरे मैंने तो पी लिया। ठीक है, इन्हें दूसरी दे दो। ये दे दे। क्या रे, बिना दांत साफ के कॉफी पी रहा है, अच्छा लगता है क्या? मम्मी, ब्रश करने के बाद कॉफी पीने पे टूथपेस्ट का टेस्ट आता है, एक बार आप भी पी के देखो, कॉफी का रियल टेस्ट जान जाओगी। तो तू आज भी ऑफिस नहीं जाना चाहता है क्या? पापा। हाँ बोल ना, तुझे बाहर बहुत मीटिंग्स निपटानी होंगी ना। हाँ? तो ऑफिस कैसे आ पाएगा? किस दिन आएगा बता दे, उस दिन बैंड बाजा बुला लूंगा तेरा स्वागत करने के लिए। आज मेरा बेटा मुझे मंदिर ले जाएगा। मम्मी आज नहीं प्लीज। तू पिछले 2 महीने से यही नाटक कर रहा है बेटा। क्यों, ये पागल है ना, लेके जाओ इसे। मैं कॉलेज नहीं जाऊँ क्या? तू नहीं ले जाना चाहता है तो बोल, मुझे मत फंसा। तेरी तो। ए, तू या तो मेरे साथ ऑफिस चल या फिर माँ के साथ मंदिर जा। बालक तुझा नाव का है? चंदू। अच्छा चंदू। तुमच्यावर एक संकट आहे, 2 वर्षापर्यंत तुम्ही लग्न नाही करू शकत। ये क्या बोल रहे हैं बेटा? ऐसा कुछ नहीं माँ, ये मुझे बस फटाफट शादी करने के लिए बोल रहे हैं।
वो लड़की भी हाथ से निकल गई और अब माँ भी नहीं मिल रही है। हे भगवान, मैं पापा को क्या जवाब दूंगा। कम ऑन चंदू। पापा, पता नहीं माँ कहीं खो गई है। माँ नहीं खोई है, तू ही उसे छोड़ के चला गया था। ऐसा है क्या? चल जल्दी ऑफिस आ। ठीक है, आता हूँ। तुम कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ डैडी। ये घर तुम्हें पसंद नहीं? कोई बात है तो बताओ। कोई बात नहीं, ये घर अच्छा लगा और इस जगह की एनवायरनमेंट भी अच्छी है। मैं आसपास की सारी जगह देखूंगी, यहाँ देखने लायक बहुत सी चीजें हैं। आपको पता है मॉम, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं हो बेटी, दूर दूर अकेले मत जाया करो। तुम जब अकेले बाहर जाती हो मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। क्यों? कुछ नहीं बेटी, ये नई जगह है ना, आदत हो जाएगी तो कहीं भी जा सकती हो। ये क्या डैड, आप भी इस तरह की बातें करते हो। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, हम चाहते हैं कि तुम सेफ रहो, हमें हर पल की जानकारी देते रहना, ठीक है ना? ठीक है। अरे मंदिर वाली लड़की, क्या बात है। टैक्सी चाहिए क्या? अरक्कल चलोगे क्या? हाँ चलूंगा। ये लड़की अरक्कल जा रही है, रिटर्न भी आना है। 2000 रुपए लूंगा। 2000 रुपए? डीजल इतना महंगा हो गया है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए। चंदू यही तेरा चांस है। एक्सक्यूज मी, क्या आप अरक्कल जा रही हैं? मैं भी वही जा रहा हूँ, क्या आपको ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मैंने इनसे बात कर ली है। थैंक्स एनीवे। ओके। चंदू, लड़की को फॉलो करेगा या पापा का काम करेगा? क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? हाँ? ओके ओके, सॉरी सॉरी, कूलेंट ऑयल लीक हो रहा है। हाँ सर। है ना? रास्ते में कोई मैकेनिक मिलेगा तो मैं यहाँ उसे आपके पास भेजता हूँ। ओके ओके। अगर आप चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। हे हे, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, आखिर कब तक ऐसे धूप में खड़ी रहोगी? चलो। हाय, आई एम चंदू। आप ऐसे इतनी दूर अकेली क्यों जा रही हो? हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं हैदराबाद से वाइजैक। मैं यामिनी चंद्रन हूँ। मेरा लगेज। थैंक यू, बाय। हे, बस इतना ही? ओह आई एम सॉरी, ये रख लो। हाँ? ये क्या? ओके। बाय। कह दो ना, दिल सुनना चाहे, दिल तेरी ही बातें हर पल है करता। बच्चों सी तेरी है ये हंसी, तुझ में ही खोई है मेरी दुनिया। दिल का क्या करें, तेरे संग संग ही रहे, तेरे सेवा सूझे ना कुछ सुंदरी। दिल में रहती हो बस तुम ही पगली। जब से देखा है तुझको खोया जैना, तू
तुझ बिन बीतेगी ना अब मेरी रहना, मान भी तो लो दिल मेरा मानना, संग दिल ना बनो कहो कुछ तो कहो, कब तक तरसूं मैं तन्हा, धीरे धीरे बात बने रहना चाहूं साथ तेरे, यामिनी चंदू काट छपे दिल का है कहना, आ गया यहाँ रोक दो। प्लीज। थैंक यू। हाँ सो मेरे साथ सफर कैसा कटा? सफर तो अच्छा कटा लेकिन तुम ना मुझे क्या हुआ? तुम्हारे फादर ने ना कम से कम 20 लोगों को जॉब दिलवाई लेकिन तुमको वो अपने ऑफिस में एक दिन भी नहीं ले जा पाए, बेचारे। हाँ पापा यहाँ भी? माँ की सहायता नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना रूम तो तुम क्लीन कर सकते हो ना। हाँ? अपनी बहन को डरा के काम करवाते हो लेकिन उसे कॉलेज भी कभी ड्रॉप नहीं करते, काम कभी नहीं करते लेकिन लेक्चर सबको देते हो, है ना? ए, रुको, 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 रुको। ये तो किसी सीरियल का रिकैप लग रहा है। ये सब मुझे कैसे मालूम हुआ यही सोच रहे हो ना? तुम मंदिर में अपनी माँ को छोड़ के चले गए थे तो घर मैंने ही उन्हें ड्रॉप किया था, और घर पहुँचने पर कॉफी पिलाते पिलाते उन्होंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बताई, वहाँ तुम्हारी फोटोज देखी थी इसीलिए तुम्हें आसानी से पहचान लिया। ओह गॉड, इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती ना? पहले तुम घर वालों की पसंद बनो फिर मुझसे आकर पूछना कि पसंद करती हूँ या नहीं। हाँ? लड़की का बैग छूट गया। ओह गॉड, यू आर ग्रेट। यामिनी तुम अपना बैग मेरी गाड़ी में भूल गई। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे। लाओ ना। मैं माँ को बैग के साथ भेजता हूँ, वैसे भी तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना। माँ को क्यों परेशान करोगे? ए चंदू मेरी बात सुनो। चंदू मैं आ रही हूँ। तूने ये सब किया? अरे चंदू आज तू ये क्या कर रहा है? माय प्लेजर, प्लीज। गुड़िया कहाँ कॉलेज जा रही है? मैं तुझे ड्रॉप करने चलूंगा। तुम मुझे कॉलेज में ड्रॉप करने चलोगे? मम्मी हाँ? अरे हाँ? इतनी सी बात के लिए माँ को क्यों बुला रही है? चल क्या चल रहा है ये इमोशनल ब्लैकमेल किस लिए बेटा? नाटक कर रहा। भैया तुम अचानक इतने बदल गए ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बताएगा भी मैटर क्या है? मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे अच्छा काम यही है कि उसने आपकी बेटी से प्यार किया। आप अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाइए, देवी की तरह उसे रखेंगे। ए देखो ऑब्जेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, हमारे लिए तो सिर्फ उसकी खुशी इम्पोर्टेंट है। आज उसने शादी की बात की है, हम तो सिर्फ उसे सजेस्ट करेंगे, डिसीजन उसी को लेना है। ये कैसी है? क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। तुमने सपने की बात की ना, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे अभी अभी मालूम चला मुझे हाइपरसोमनिया है। मतलब? इंसोमिया पता है ना? नींद नहीं आती ना? वही उसका उल्टा, मुझे बहुत नींद आती है। ये तो मेरे साथ भी है, मुझे भी कोई नहीं उठाता।
मस्त 11 बजे तक सोता रहता हूँ। हर चीज को मजाक में ले लेते हो। कितना शॉपिंग करती हो? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरी कभी नहीं सुनते हो। क्या बात करती हो? यही मुझे अच्छी लग रही है। जरा इसको देखो, ये ट्राई करती हूँ। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छी है ना? ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो वो भी ट्राई कर सकती हो। जरा वो दिखाना। यामिनी, हाय। हाय। हाय किलियो। हाय। थैंक गॉड तू यहाँ मिल गई। आप लोग फ्रेंड्स? यस। कितने दिन माय नेम इज चंदू। हाय। हम लोग। शी इज माय फियांसे। ग्रेट। तू आई एम दिलीप। कहां पे? दिस इज माय कार। तुम्हें हो क्या गया है? कॉल करती हूं तो उठाती नहीं हो, कभी कॉल करती नहीं। बहुत हेडेक है यार। हैदराबाद से यहां शिफ्ट किया है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तू जानती है? तेरे लिए एक सरप्राइज है। इतने दिनों बाद मुझे मिली हो, ये मेरे लिए खुद ही सरप्राइज से कम नहीं है। एक और सरप्राइज दोगी? हाँ, मेरी शादी है। शादी है? हाँ। मेरी जानकारी के बगैर तुम दोनों ने इतनी बड़ी नौटंकी कर ली। ये बता, शेखर कहाँ है? शेखर कौन है? तो तुम शेखर से शादी नहीं कर रही हो? तू ये मजाक करना छोड़ दे। ये चंदू है, मेरा फियांसे। हाय। हाय। मुझे लगा तुम और शेखर शादी करने वाले हो। अच्छा ठीक है, ये बता शेखर कहाँ चला गया? तुझे पता है मैंने शेखर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। लासिया चलो। ये शेखर कौन है यार? ज्यादा कंफ्यूज करेगी तो जान से मार दूंगी। लासिया हम लेट हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? तुम्हें मेरे घर पे आना ही होगा। सॉरी यामिनी, सिर्फ दो दिन के लिए आया हूँ, बाद में मिलते हैं। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ यामिनी। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। लासिया कम ऑन। ओके बाय। बाय बाय चंदू। बहुत मजाक किया है, हमेशा मजाक करती रहती है। तुमने देखा, यामिनी शेखर को भूल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चुप नहीं रह सकती क्या? देखो सिस्टर, मैं यामिनी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये जलन के मारे नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पास्ट लाइफ तो सबकी होती है, बट मुझे जानना है कि ये शेखर कौन है। यामिनी ने मुझे शेखर के बारे में क्यों नहीं बताया, मुझे नहीं पता। बट शेखर के बारे में जान जाऊंगा तो फ्यूचर में हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना? मैं शेखर बाबू भाई, एवीएन टीवी चैनल में तीनों काम करते थे। ए वेंकट, वो सामने वाली लाइट जरा नीचे कर और लेफ्ट में पैन कर दो। हाँ ठीक है, ओके। जरा कैमरा चेक करो। लता, तुझे कितनी बार बोला कि लाइट सेट करते समय आईना मत देखा कर। ऑडियो लेवल चेक करो जरा। तू शेखर के साथ नहीं गया क्या? उसने कहा था नई स्टोरी के लिए आज वो कॉलेज जाएगा। मैंने खुद ही मना कर दिया। जानती है, वो किसी शक्ति के ऊपर प्रयोग करने के लिए गया है। उसके साथ कहीं भी जाने के लिए डर लगता है, इसलिए मैंने ताबीज पहन लिया। देख रही है ना, एक दिन शेखर का अंधविश्वास मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है ना भाई, शेखर को आने दे। पहले तू शेखर को अपने अंधविश्वास के बारे में बता, उसके बाद दुनिया को बताना। समझ गया ना? बता देना, मैं क्या उसे डरता हूँ? अब मैं उसका असिस्टेंट नहीं हूँ। तो फिर क्यों, तुझे मेरे बारे में नहीं पता क्या? अभी जो तू स्टोरी करने जा रही है वो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। जानती हूँ। कल शेखर का बीबीसी पर फाइनल इंटरव्यू है। वो भी जानती हूँ। लेकिन एक बात तू नहीं जानती होगी। क्या है वो? शेखर ने जॉब से रिजाइन कर दिया है। शेखर, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए लोगों में बढ़ रहे अंधविश्वास पर स्टडी कर रहा हूँ। आपका इंस्टीट्यूट भी बहुत रहस्यमय दिखता है। शेखर, तुम भगवान पर भरोसा करते हो? बिल्कुल नहीं। और भूतों पर? उन पर भी नहीं। अगर बताएं तो सबसे ज्यादा भरोसा तुम ही करोगे। इसके लिए मुझे तुम्हें सिर्फ एक बार कोई सबूत दिखाना होगा। तो ठीक है, आप कोई सबूत दिखाइए। कोई भी एक सबूत, मैं भरोसा कर लूंगा। शक्ति को तुम देखना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर शक्ति तुमसे खुद मिलने चली आई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप तो हमेशा उनके साथ हो, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं उनसे दूर रहता हूँ। मैं शक्ति से नहीं, सेंस से उन्हें महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी उन शक्तियों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें अपने वश में करते हैं। शक्तियों के बारे में वो जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। मैं आपके गुरुजी से एक बार मिल सकता हूँ? वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, जरूरत पड़ने पर ही मिलते हैं।
उम्मीद करो कि तुम्हें ऐसी जरूरत कभी ना पड़े। क्यों? अगर वो तुम्हें मिले तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस रहस्य के पीछे मत पड़ो शेखर, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। बिना उसके तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। अपना प्रोफेशन बदल दो, तकलीफ मत उठाओ, मुझ पे भरोसा करो। भरोसा तब किया जाता है जब कोई सबूत हो। देखते हैं कोई सबूत मिलता भी है या नहीं। वो सबूत तुम्हारे पास ही है शेखर। वो क्या है? रोज तुम्हें सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों आते हैं ये जान लो। सबूत अपने आप मिल जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट में इस तरह की रहस्यमयी बातें ही होती हैं क्या? शेखर को कभी भी कुछ भी अजीब लगे तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। यामिनी ने भी मुझे कॉल करके ये बातें बताई थी। कह रही थी उसे अकेले में डर लगता है, वो चाहती थी कि कुछ दिन तक मैं उसके साथ रहूं। तू हम में से सबसे ज्यादा बहादुर हो, फिर इतना डर कैसे सकती हो? क्यों तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटना हुई है क्या? ये जनरल है या जर्नलिस्ट का सवाल है? कोई भी सवाल हो तुम सिर्फ जवाब दो। इस घर में तुम्हारे साथ कोई डरावनी घटना हुई है? एक दिन कॉलेज से मैं घर लेट आई थी, साड़ी के पीछे किसी आंटी की परछाई दिखाई दी। दिल किया उन्हें डराऊं, मैं फटाक से उनके पास गई। वहां जाके देखा तो कोई भी नहीं था। अरे ये परछाई भी तो हो सकती है, तुम मेरे घर में भी तो ऐसे ही डर गई थी। उस समय मैंने भी यही सोचा, लेकिन वहां से जब आगे बढ़ी तो इसके बारे में तू क्या कहेगी? और तेरे साथ क्या हुआ था? प्लीज लता छोड़ दे, ऐसी बातें करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। सब लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं, मुझे पसंद नहीं है लोग मेरे पीछे पड़े। ठीक है मैं पीछे नहीं पड़ूंगी। अच्छा तुम्हारे अलावा ऐसी घटना तुम्हारे परिवार में किसी और के साथ हुई है क्या? हरदम कोई ना कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ रुके देखो, तुम्हें भी सुनाई देगी। ये सब सुनने के बाद मैंने शेखर को तुरंत वहाँ बुलाया, क्योंकि शेखर हमेशा ऐसी बातों के पीछे पड़ जाता है। शेखर ऐसे ही सब्जेक्ट पे रिसर्च करता है। वो 2 मिनट के अंदर आ जाएगी। कोई बात नहीं, तुम उसके लिए साथ रहोगी, मैं तुम्हारे लिए साथ रहूंगा। अब मैं अपने लिए किसी को बुला लूं क्या? हाय। विभूति। थैंक्स। मैं कॉफी लेके आती हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा? 1 मिनट में लाई। दूध खराब हो गया था। थैंक्स। विभूति। नाक पर की नहीं? लगता है मिट गया। घर में कुछ अजीब चीज घटती है ऐसा लता बता रही थी। अभी मैं किचन में कॉफी बनाने गई थी ना, मैं चेक करता हूं। समझ गया लता।
ये है वो रहस्यमय चीज। जब ये दोनों आपस में रगड़ते हैं तब वो आवाज आती है। हे भगवान, हम तो कुछ और ही समझ के डर रहे थे। लता बता रही थी कि तुम्हें बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि तुम बहुत हिम्मत वाली लग रही हो। आई मीन एग्जैक्टली तुम्हें डर कब लगता है, रात में, अंधेरे में या अकेले में? बस हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन सब के बारे में जानता हूँ। वैसे तो मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं अकेले ही एडवेंचर के लिए निकल जाती हूँ, केव्स, म्यूजियम, नाइट एक्सपेडिशंस, लेकिन ये सब अलग है। ये डर मेरे अंदर समाया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे मेरे इमोशंस को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई हूँ, विजन्स, इल्यूजन्स, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। कौन है? कोई आके घर देखने वाला है। तुम्हारा मतलब यहाँ भूत है? हाँ शायद। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे ऑफिस से निकाल देगा मेरा बॉस अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंची तो। ओके बॉस। शेखर अपने माँ बाप को हमेशा सपने में देखता था, वो परेशान हो जाता था, इसलिए उसकी इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। जब मैंने उसे बताया कि यामिनी के घर में भूत है, तभी वो यामिनी के घर में आने के लिए राजी हुआ। तुम्हारा नाम क्या बेटी? यामिनी। यामिनी, तुम इसका मतलब जानती हो? हाँ, रात। एक्चुअली मेरा नाम यामिनी चंद्रा है, लोग छोटा करके बुलाते हैं। यामिनी चंद्रा। अच्छा, ये तुम्हारा नाम किसने रखा? मेरे अंकल ने। ओह, कम से कम 4 पक्ष तक इस घर में नहीं रहना चाहिए। पक्ष का मतलब 17 दिन होते हैं। पश्चिम दिशा इस तरफ है ना? जी। क्या कर रहे हो? शक्ति ने मुझे घेर लिया है, यहां विचित्र बातें घट रही हैं, ये मैं भी आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन आश्चर्य है, आपने खुद ही दिव्य दृष्टि से जान लिया होगा, है ना? मैं यहां कोई पूजा करवाने नहीं आया हूं, कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं। ये तुम्हारे चाचा जी है ना? जी। इनकी बांधी हुई शक्ति को तुम परेशान कर रही हो। वो कैसे? जस्ट इमेजिन, अगर किसी बांधे हुए जानवर को गुस्सा आ जाए तो वहां से गुजरने वाले के साथ वो क्या करेगा? और क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन बंधा तो रहेगा ना? ये सिर्फ शक्ति ही नहीं है, ये बहुत स्मार्ट और पावरफुल भी है। ये पहले आकर्षित करती है, पास में आने देती है, तुमसे सारे बंधन खुलवाती है। बाद में तुम्हारे साथ क्या करेगी मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल जो शक्ति तुम्हारे घर में है वो सक्रिय है, इसलिए तुम ज्यादा इमोशनल हो जाती हो। मतलब बिना कारण ही तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम्हारे इमोशन को कोई कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक प्रकार का डर है। अगर बगल में होने वाली घटनाएं रियल हो, इल्यूजन हो या कंफ्यूजन हो, तो रात में अकेले रहना बहुत खतरनाक हो जाता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हिम्मत वाला हो, उसे डर लगेगा ही, वो इस डर को जरा भी सहन नहीं कर पाएगा और ऐसा समय आएगा कि वो डिप्रेशन में जा करके सुसाइड भी कर सकता है। सर, मुझे लगा था आप कुछ अलग होंगे, इस सीधी साधी लड़की को भी आप डरा रहे हो। मैं उसके लक्षण को समझा रहा हूँ। ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अंधविश्वास का सिर्फ एक ही कारण है, वो है डर। वही आपका हथियार है जिसका आप फायदा उठाते हो।
डर से भयानक हथियार दुनिया में और कोई नहीं है। घर में तकलीफ हो तो घर बदलने की बात करेंगे, व्यापार में लॉस हो तो ऑफिस की मरम्मत करो बोलेंगे, जॉब नहीं मिला तो नाम बदलवाएंगे, अगर अंगूठी नहीं पहने तो शादी नहीं होगी। इस घर पे कोई बुरी दृष्टि है उसे हटाने के लिए चौराहे पे नींबू काटने के लिए कहोगे, बकवास है। शेखर प्लीज, कहीं भी देखो अंधविश्वास, बिना काम का डर है ये। इसके पीछे लोग कितना समय और कितना पैसा बर्बाद करते हैं पता है तुम्हें? सब जगह यही हो रहा है, यहाँ दोष है वहाँ दोष है, अंकल है आंटी है पत्थर है ग्रह है शाप है, ये तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जहाँ इन्हें लगा कि तुम डर रहे हो समझो इनका काम हो गया, तुमने विश्वास कर लिया, इन्होंने कहा कि कोई शक्ति है और तुम इनके झांसे में आ गई। भरोसा मत करो, तो तुम ही एक्सप्लेन करो कि यामिनी को क्या प्रॉब्लम है। डेल्यूजन मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, यामिनी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने महसूस किया है और अभी भी महसूस कर रहा हूँ, इसने एक खतरनाक शक्ति को छेड़ दिया है। प्रूफ कर सकते हैं क्या? इसमें कोई चीज डालो। ये चलेगी? डाल दो, लेकर आओ। मैं कोई प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, केवल तुम्हारे अंदर के कन्फ्यूजन को शांत करने के लिए कर रहा हूं। तुम कभी ट्राई मत करना, बहुत खतरनाक है। लो, शक्ति का जिसके ऊपर प्रभाव होता है उसका सेंस पावर ज्यादा बढ़ जाता है, बिना देखे किसी भी चीज को बता सकता है, बिना देखे कुछ भी पढ़ सकता है। एक बार इसे पढ़ लो और आंखें बंद करके रिलैक्स होके बस उसी बात पर ध्यान दो। रिलैक्स, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। लॉटरी नंबर लिखा है क्या? क्या लिखा है मैंने? कुछ नहीं। मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ। तुम्हें प्रवाहित करने वाली शक्ति कोई सामान्य मालूम नहीं पड़ती, मामूली लोग तो रंग साइज में ही रह जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसे सब पता है, इसलिए तुम उसकी परीक्षा लेने की शेखर की तरह गलती मत करना, वो तुम्हें उकसाकर चैलेंज करेगी। देखो, तुम उसके बारे में सोचना चाहती हो तो सोचो, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम उसके बारे में सोचकर डरना मत। ओके, अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बाबू को फोन कर लेना। आपको मैजिक ट्रिक आता है ये मैं नहीं जानता था। तुम तो अभी तक बहुत कुछ नहीं जानते हो शेखर, जानने के लिए किसी पर भरोसा करना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा तुम भरोसा नहीं करोगे जब तक तुम खुद अपनी आंखों से ना देख लो।
वो कोई बलि देने के लिए नहीं कह रहा था, एक छोटी सी पूजा ही तो करनी है। हमें थोड़े दिन बस इस घर से दूर ही तो रहना है, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। उसने क्या बताया ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि भरोसा किस पर करें। इतनी पढ़ी लिखी हो लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, उसकी मैजिक ट्रिक्स पर तुम आँख बंद करके विश्वास कर रही हो। ट्रिक्स हो या टैक्टिक्स हो मुझे नहीं पता, मुझे छुटकारा चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, क्या प्रॉब्लम है? जरा लॉजिकली सोचो, ये सब तो बस एक खेल है तुम्हारे वीकनेस को इनकैश करने का। तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? क्यों भरोसा करूं? तुम मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, क्या गारंटी है? सच में मैं उन पे क्यों भरोसा करती हूँ जानते हो? मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ समझा भी नहीं सकती। हरदम लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कुछ ना कुछ सुनाई देता है, कोई ना कोई आवाज आती है। मुझे पता है ये इल्यूजंस नहीं हो सकते, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डर लॉजिक को मार देता है यामिनी, डर आए तो अलर्ट हो जाओ, वीक होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर तुम ये सब सहोगे तो तुम्हें समझ आएगा। जैसे मैं गॉड पर भरोसा करती हूँ वैसे ही इन पे भी भरोसा करती हूँ, कोई शर्माने की बात नहीं है। पागल हूँ या कुछ भी समझो, आई डोंट केयर, इससे अच्छा कोई ऑप्शन है तो बताओ। मेरे पास इससे भी अच्छा ऑप्शन है, जाके मर जाओ, अपनी आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करके डर से भागने से तो अच्छा है एक बार में ही अपनी जान दे दो। मैं तो कहता हूं तुम यही करो। क्या हुआ तुझे? सब लोग अपना अपना देखते हैं, इसको क्या पड़ी है, टाइम वेस्ट। शेखर को मैंने यहाँ क्यों बुलाया जानना चाहती हो? तू खुद ही बता दे, आज तुझे जो प्रॉब्लम है वही शेखर की माँ को भी थी। शेखर के पिताजी कार एक्सीडेंट में मर गए, तब से उसकी माँ का बर्ताव बहुत बदल गया था। वो हरदम बोलती थी कि घर में कोई शक्ति है, उन्हें कुछ दिखाई देता है, कोई आवाज सुनाई देती है, वो भी बिल्कुल तेरी तरह थी। कभी कभी तो वो पागलों की तरह हरकतें किया करती थी। अभी मुझे कुछ मत बोलो माँ, मैं नहीं सुनूंगा। तू क्यों नहीं मानता? आचार्य जी ने कहा था कि इस नंबर की कार का एक्सीडेंट होगा, उन्होंने तो कार कभी देखी भी नहीं थी। तू एक बार मेरे साथ चल उनके पास। चाहो तो मैं दादा के दादा का भी कार नंबर बता सकता हूँ, ये सब चीटिंग है माँ। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम डरो मत, अगर तुम्हें भरोसा करना है तो भरोसा कर लो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझ पे दबाव मत डालो माँ, प्लीज। अभी उसकी माँ कैसी है? कुछ दिनों के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। शेखर हमेशा कोशिश करता है कि जो उसकी माँ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कल मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, मुझ पर गुस्सा हो? यामिनी मेरे बाइक का नंबर बता सकती हो? AP28CB0047। नंबर और सिंबल पढ़ना तुम्हारी हैबिट है राइट? हो सकता है तुम्हारे सब्जेक्ट की वजह से मैच करता हो, सिर्फ एक बार तुमने मेरी बाइक को देखा है और मेरी बाइक का नंबर तुम्हें याद रह गया, वैसे ही बारकोड नंबर भी याद रह सकता है ना? लेकिन उस लोकल सॉस बॉटल की बात मैं कैसे जानूंगी? सम्मोहित कर लिया जाए तो बचपन की पेंसिल का नंबर भी बता दोगी, उसी तरह कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हारे किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली सॉस बोतल उस डिब्बे में है, ये तुमने इजीली गेस कर लिया। सॉस बॉटल भी तो लिख सकती थी ना, तो फिर नंबर ही क्यों लिखा? क्योंकि इस घर में कुछ चल रहा है इस पर तुमने भरोसा कर लिया, इसलिए दिमाग में पजल चल रहा है, यह माइंड प्रोजेक्शन है, वैसे भी बाय नेचर तुम नॉटी हो इसलिए लिख दिया होगा। देखो अब तक तुम्हारी लॉजिक सही थी, पर जब मैं अकेले रहती हूँ, उस समय भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए, उसके बारे में क्या कहोगे? वो भी मैं प्रूफ कर दूंगा। हार मत मानो, इस घर में रहकर डर का सामना करो। सामना करूं और अकेले? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक किरायेदार समझ लो, या समझ लो तुम्हारा एक मेहमान हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारा सारा भ्रम मैं दूर कर दूंगा, तुम अपने ही रूम में रहना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा,
यहाँ कोई शक्ति वक्ति नहीं है, ये प्रूफ करना मेरा इंटरेस्ट है। क्या है? कैमरा फिक्स कर रहे हो? लाइव टेलीकास्ट करोगे या रियलिटी शो बनाओगे? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल हैं और सारे एक्सपीरियंस बस इल्यूजन हैं। तुम ज्यादा टाइम किचन और बेडरूम में बिताती हो, इसलिए मैंने वहाँ कैमरास फिक्स किए हैं जो लगातार तुम्हारी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ये सब देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे अगल बगल में कोई शक्ति नहीं है। बस इतना ही ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यामिनी को डर लगता था इसलिए शेखर उसके साथ 4 दिन रुक गया। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि जब मैंने उसे शेखर से मिलाया था तब से अब दोनों बहुत बदल चुके थे। ओह गॉड, टाइम हो गया है। यामिनी कहाँ है? तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? एक तरफ यामिनी का पासपोर्ट खोना और दूसरी तरफ शेखर की इंटरव्यू का डेट बदल जाना। वैसे भी दोनों हैदराबाद में ही रह रहे थे। क्या हुआ शेखर? इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। हर चीज अजीब हो रही है। अजीब चीजों को तो तुम पसंद करते हो, इसलिए तो वो सब तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं। आज डिनर का क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, क्यों? मेरे फ्रेंड के घर में पार्टी है, तुम भी डिनर के लिए आ जाओ ना। मैं पार्टीज में नहीं जाता, जानती हो ना। बाबा पार्टी नाम की है, तुम, मैं, यामिनी और मेरा दोस्त, बस। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। रात को यहीं रुकेंगे, मॉर्निंग में साथ में निकलेंगे। ओके बॉस। तुम टाइम पे आ जाना। शेखर, मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया था, लड़की को लाइन मारने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत ही क्यूट है और इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या मतलब? मेरा मतलब फोटोजेनिक कहा मैंने। हाँ हाँ, और क्या? अब कैसे समझाओ तुम्हें, मतलब आज के जमाने में ऐसी लड़कियां बहुत ही कम हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलती। इवन इसका नाम भी देखो, यामिनी। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो पहली बार उससे इतनी देर मिले हो, बात ऐसी कर रहे हो जैसे शादी करने वाले हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारी यूएस ट्रिप कैंसिल हो गई, पासपोर्ट नहीं है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा के आने तक तुम क्या करोगी? चलो चलो, बाय यामिनी। बाय। चलो। अभी कॉफी पी सकते हैं? कल डिनर के लिए बुला रही थी तो भाव खा रहे थे, आज कॉफी ब्रेकफास्ट, अरे वाह। चलो चलो। हे भगवान, लेट हो जाऊंगी। जरा नीचे उतरो। पकड़ो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, शायद तुम्हारा बिहेवियर या एटीट्यूड, तुम्हारा स्टाइल या तुम्हारी स्माइल, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है,
लड़कियों से कैसे बात करते तुम्हें पता ही नहीं है। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तुम उसके बारे में सोचना भी मत। फीलिंग जागी तो तुरंत बोल दोगे, सही टाइम का इंतजार भी नहीं करोगे। अभी भी कोई फीलिंग बाकी है जो बताना भूल गए? ओह गॉड। शाम को मैकेनिक को लाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा। चलो बॉस मेरी छुट्टी कैंसिल कर देंगे टाइम पे नहीं पहुंची तो। ये कार कौन ड्राइव कर रहा था? मैं ही। कल शाम को 5 बजे तुम इंदिरा गांधी सर्कल के पास आई थी? हाँ आई तो थी, क्यों? तुम सच में पागल हो? हाँ? इस तरह कोई ड्राइव करता है क्या? ड्राइविंग पर तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम एक्सीडेंट करके भाग गई। मान लो कोई छोटा बच्चा होता तो कितनी मुसीबत हो जाती। टू मच। हॉर्न तो सुनाई दिया था। बाप रे, हॉर्न सुनाई दिया फिर भी ये कैसे हो गया? सच में मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि इल्यूजन है। आइंदा तुम कार लेके सड़क पर मत जाना। अरे बाबा शेखर, अब तुम पागल भी हो, दिमाग ही नहीं है। तुम्हें लड़कियों से बात करना बिल्कुल नहीं आता। आई लाइक यू बोल के 2 मिनट नहीं हुआ और तुमने उसे तुरंत डांट दिया। जिस लड़की से प्यार करते हैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज करो। कार की बात भूल जाओ, शाम को जाना तो सॉरी बोल देना। मैं दिल्ली से आने के बाद तुम्हारी शादी की बात करूंगी। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई, वहां से मैंने उसे कॉल भी किया था। घर में तू अकेली रहती है क्या? नहीं तो, शेखर भी तो मेरे साथ ही रहता है। शेखर? शेखर की माँ के हुए हादसे के बाद वो मुझसे ज्यादा इसके बारे में जानना चाहता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। शायद तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद शेखर के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तू इसे एक एडवेंचर ही समझ ले। मैंने डर को दर्द को शेयर करने का फैसला कर लिया है। तब शेखर यामिनी के पास ही रहने लगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद शेखर से बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना ही शेखर ना ही बाबू भाई, किसी से मेरी बात नहीं हो पाई। और आज जब यामिनी मिली, शेखर कौन है उसे ही भूल गई। ये सब क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक बात तो सच है, शेखर यामिनी से सच्चा प्यार करता था, ये बात मैं तुम्हें बिना संदेह के बता सकती हूँ। तो फिर यामिनी के मन की फीलिंग्स? यामिनी के मन में क्या था ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन शेखर यामिनी से बहुत प्यार करता था। शेखर, लता भी उस दिन मजाक कर रही थी। लेकिन तुम शेखर का नाम लेके मुझ पर शक करना चाहते हो? हाँ? मुझे तुम पे कोई शक नहीं है। अगर आज हम शेखर के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। मैं शेखर के बारे में जानती नहीं तो डिस्कस क्या करना। तो तुम शेखर के साथ इतने दिन रही फिर भी तुम ये नहीं जानती कि वो कौन है? क्या मतलब? मैं शेखर के साथ रही, ये तुमसे किसने कहा? लता ने। क्या तुम लता से मिलने गए थे? हाँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई भी बात छिपी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तुम शेखर की इंक्वायरी करने लता के पास गए थे। मेरा इंटेंशन इंक्वायरी करने का नहीं है। तुम लता से मिले थे कि नहीं? हाँ मिला था, और उसने मुझे शेखर के बारे में डिटेल में बताया। यामिनी, 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 छोड़ दो, मेरी बात तो सुनो। भरोसा नहीं है तो रिलेशनशिप में काम। यामिनी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लता ने हमारे साथ कोई मजाक किया होगा, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठाओगी क्या? मजाक? तो फिर तुम सच समझ बैठी, जब भरोसा ही नहीं तो रिलेशनशिप किस काम का? वाओ, क्या स्टेटमेंट है। तुम्हें किसी भी समय गुस्सा दिलाने के लिए बस सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए। यामिनी स्टेटमेंट करके एक बुक छपा देता हूँ, ओके? तुम्हें हर समय मजाक सोचता है, जान से मार दूंगी। पर लता ने ऐसा क्यों कहा? ए, लता ने पक्का मजाक किया होगा। मैं भी उसे भूल गया। तुम भी शेखर को भूल जाओ, उसका नाम अब जिंदगी में कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ओके?
अब हमारा शादी करना सही नहीं है चंदू। तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रही हो। नहीं, लता ने जो कुछ भी कहा था वो मजाक नहीं है। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरे पेरेंट्स भी मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। कुछ तो हुआ था चंदू। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि शेखर कौन है। ठीक है, चलो कल हैदराबाद चलते हैं, लता से भी मैं बात कर लूंगा। ने बताया था कि चाबी यहीं कहीं होती है। हाँ, यामिनी, लगता है ये शेखर का मोबाइल है। अब स्विच ऑफ करके रखा है। वहां चार्जर है। हाँ। ये तो मेरे घर का एड्रेस है, जरा दिखाना। क्या है इसमें? तुम्हारी फोटोज भी है। एक मिनट, इसमें तो वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी है। मैं चेक करता हूँ। डेट November 7, 2012। आज से मैं यामिनी को ऑब्जर्व करूंगा। उसने बताया था कि उसमें जो डर है, वहम है, वो इसलिए है क्योंकि बचपन में उसके चाचा ने कुछ तस्वीरों की पूजा करवाई थी, वरना देखा जाए तो वो बहुत ही नॉर्मल है। मुझे नींद नहीं आ रही और बेकार के सपने आ रहे हैं शेखर। ना ही तुम कोई गीतांजलि हो और ना ही तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे दिमाग पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। सो जाओ। चलो कोई गेम खेलते हैं, जस्ट 2 मिनट्स। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए किचन में और बेडरूम में कैमरास फिट किए हैं। मेरे मॉनिटर पर सब दिखाई देता है। तुम्हारे आवाज देते ही मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। जाओ, जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। Oh, my God.
ए जी, उठो ना, उठो ना जी, उठो ना जी, देखो ना अपना बेटा आया है। ये कैसा संकेत है? गुड मॉर्निंग। कॉफी अच्छी है। तुम मेरे लिए आए हो? तुम्हें मुझ पर नजर रखनी थी और खुद कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। वाह, तुमने भी तो रात में बहुत ही अच्छी नींद ले ली। तुम्हें कैसे पता कि नींद अच्छी थी? हाँ, अच्छी नींद कैसी होती है? लेकिन बहुत दिनों बाद मैं आज फ्रेश महसूस कर रही हूँ। सुबह उठ के कॉफी ना पीना मुझे पसंद नहीं है। हेलो, रात में उठकर कैमरा ढक देना मुझे भी पसंद नहीं है। कैमरा ढक देना? कैमरे को चुनरी से कवर कर दिया था। चुनरी से? ये सब भूत की वजह से नहीं है, ये कैसे बता सकते हो? बेडशीट और तुम्हारी ड्रेस मूवमेंट से क्लियरली दिखाई दे रहा है। उन दो घंटों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद मालूम नहीं, तुम जानते हो? मालूम पड़ गया, तुम बस बच्ची की तरह सो गई थी, कुछ नहीं हुआ। डर तो बस वहम था, सच में कुछ नहीं। अब आगे अगर तुम्हारे सोच के अनुसार ऐसा वैसा कुछ होता है तो इस बार कैमरे में जरूर कैद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इस घर में कुछ तो अजीब है, लेकिन पक्का ये भूत की वजह से तो नहीं है। यामिनी का डर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसे मैंने ये बताया नहीं। दूध को उबलता छोड़कर मां कहां चली गई? मां, माँ,
मैं रेडी हूँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जस्ट ए गेम समझ लो। हिमांबर ने जैसे बताया था कि जिस तरह सच में अगर शक्ति का प्रभाव हो तो सम्मोहन में तुम जवाब दे सकती हो। चलो देखते हैं। अगर मैंने सच में जवाब दे दिया तो? मुझे तुम्हारे आंसर्स की जरूरत है, क्वेश्चंस की नहीं। पढ़ो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पिकनिक पे जाना है। इतनी इजीली कोई सम्मोहित होता है क्या? अगर तुम जल्दी फिनिश करोगी तो तुम्हारा डाउट शायद मैं कम कर सकता हूँ। डाउट? तो मतलब जैसे हिमांबर ने बताया तुम उन पे बिलीव करने लगे? ये क्या है? तुम्हें इन्हीं सवालों का जवाब देना है। बाद में करते हैं। लगता है तुमने प्रूव कर दिया कि हिमांबर की थ्योरी रॉन्ग है। जो चाहो वो समझ सकती हो। हेलो डैडी, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग कैसे हैं? ओके ओके, मैं सुबह फोन करती हूँ, ठीक है? बाय।
रोहिणी। इस संकेत को यामिनी कैसे जानती है? यामिनी, तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? अचित्रमय। उनकी इस्तेमाल की हुई कुछ चीजें घर में हैं? उनका रूम ऊपर की तरफ है, वहां जरूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। ओके, थैंक यू। पर क्यों? चित्रमाया के कमरे में पिताजी की जन्म कुंडली मिली है। सिर्फ यही नहीं, इस घर की ब्लूप्रिंट में नॉर्थ साइड में कुछ संकेत दिखाया है, वो क्या है चेक करना पड़ेगा। ये नॉर्थ है। यहां क्या है देखना पड़ेगा। यामिनी, thank you.
यामिनी, यामिनी, यामिनी। क्या कर रहे हो? नींद से उठकर कहीं जाकर सो गई थी तो यहां ले आया। अचानक उसने सारे कैमरे निकाल दिए और कहा कि जरूरत नहीं है। बहुत दिन से तू नहीं दिखा ना, मुझे लगा कि तू कैमरा वैमरा लेकर किसी पहाड़ वहाड़ पे चला गया होगा। देखा, मैं सही सोच रहा था, मुझे हल्के में मत लिया कर। सब कन्फ्यूजन है बाबू भाई। हाँ भाई, मुझे भी कन्फ्यूजन ही लग रहा है। वो जो लड़की है ना, यामिनी, कोई कामिनी या मोहिनी तो नहीं है ना? तू मुझे बस एक बार यामिनी के पास लेके चल, एक चुटकी में बता दूंगा। नींद में चलना, इल्यूजन्स, ये कोई मिस्ट्री नहीं है। सच में वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम पसंद हो कहता हूँ तो हंसकर चुप हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू भाई। लड़की तेरे साथ अकेली रहती है और तू समझ नहीं रहा है प्यार है कि नहीं? अनजान को कोई घर में कैसे रोकेगा? नहीं बाबू भाई, वो अब तक मुझे प्रोफेशनली ही ट्रीट कर रही है और मेरा कुछ ज्यादा ही एडवांटेज ले रही है, इसलिए थोड़ा काम में बोलकर आ गया। तो किसी बात की चिंता मत कर, पक्का वो लड़की तुझसे ही प्यार करती है। मैं साथ में रहकर तुम दोनों की शादी कराऊंगा, अब तो खुश है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं भी अकेला हूं, मेरे साथ भी कोई नहीं है, तुझे मेरी शादी करवानी पड़ेगी। अबे तेरी तो तू सुधरेगा नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? क्या है ये? देखो, तुम खुद समझ जाओगे। लॉजिक हर एंगल से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सच एक ही एंगल से दिखाई देगा। नहीं पता नहीं क्यों अचानक अजीब सा बर्ताव करने लगी, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। यह है मेरे सपनों में आने वाला संकेत। यामिनी ने भी सम्मोहन में, नींद में यह बनाया था। मेरे पिताजी की जन्म कुंडली और कुछ खबरें यामिनी के चाचा के कमरे में मिली थी। उसके घर के ब्लूप्रिंट में भी यह संकेत मिला है। वहां से कुछ और भी मिला है क्या? नॉर्थ साइड में तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी का मटका, उसे बाहर तो नहीं निकाला ना? आपको कैसे पता चला? मुझे लगता था जो शक्ति अट्रैक्ट कर रही है वो यामिनी को कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें कर रही है। तुम्हारे द्वारा काम कराना चाहती है। तुम्हारी माताजी की मौत हो चुकी है, तुम्हारे पिताजी की मौत हो चुकी है, उन सबका इसमें लिंक है। तुम अब भी नहीं मानोगे क्या? तो फिर पढ़ाई ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे पेरेंट्स मर गए ये बात तो सच है, लेकिन उनकी मौत हर रोज मेरे सपने में आ रही है, उसका क्या? ये भी एक कड़वा सच है। और बाकी सब तो कोइंसिडेंस है। रोज रोज मेरे पेरेंट्स की मौत मेरे सपनों में आ रही है। मेरे पिताजी जन्म कुंडली पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते थे, इसलिए उनकी जन्म कुंडली अचित रामन ने बनाई थी। यामिनी को मेरा पास्ट जानना था, ऐसा उसने नींद में लिखा था। तांत्रिक के घर में तो ऐसी वैसी कई सारी चीजें मिलती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने जो अब तक तुम्हें बताया है अगर वो गलत है तो तुम मेरे पास क्या जानने आए हो? मैं संकेत के बारे में जानने में इच्छुक हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। आगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इस शक्ति का नाम साधु जी है, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे कांटेक्ट करने के चक्कर में तुम्हारे पिताजी की बलि चढ़ गई। तो फिर उनका नेक्स्ट टारगेट कौन है? कोई भी हो सकता है। ये जिसकी बलि लेता है, शाम को सूर्य के अस्त होने के समय दीपक के बंद होने से पहले उसकी रोशनी में ये शक्ति जागृत होती है
और विपरीत दिशा में काम करती है। सम्मोहन में ले जाती है, अंत में साधु के पास चला जाता है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत ऐसे होती है जैसे सांप ने काट लिया हो। मतलब वो जान से मार देगा? साधु जी किसी को नहीं मारता, बल्कि उसकी मौत का डिजाइन तैयार करता है। ओके सर, मैं तो केयरफुल रहूंगा, लेकिन आप भी रहिएगा। एक बात और सुनते जाओ शेखर, साधु जी ने अभी तक तुम्हें क्यों छोड़ रखा जानते हो? क्योंकि तुम्हें उनसे डर नहीं लगता। डर ही उसका हथियार है। एक बार आदमी में डर प्रवेश कर गया तो वही क्षण उसका आखिरी क्षण होगा। देखो, तुम उससे कभी मत डरना। वैसी नौबत नहीं आएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे चाहने वालों के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे डर है। शाम को सूर्य के अस्त होने के समय दीपक के बंद होने से पहले उसकी रोशनी में ये शक्ति जागृत होती है। सर, सर, फोन आया है। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूं। आपकी हर बात सच हो तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यामिनी को कुछ हो ना जाए ऐसा डर मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आपके गुरुजी की मदद लेना चाहता हूँ। इतने कम समय में गुरुजी से मिलना आसान नहीं होगा। ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ही कुछ प्रयत्न करता हूँ। साधु जी किसी को नहीं मारता, वो सिर्फ मौत की डिजाइन तैयार करता है।
क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। अपने पेरेंट्स से बात करना चाहोगी? पता नहीं शेखर, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाओगे ना? उसने जो लास्ट नंबर डायल किया था, मैं उस पर कॉल करता हूं। आत्मविश्वास से बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ होता है वो हमारी आंखों का देखने का नजरिया है। भावना में जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा नजरिया हमको सब कुछ दिखाता है। सच में जो शक्ति है वो हमारे भरोसे पे ही है। शेखर आपसे बात करना चाहता है। शेखर? तुम अच्छी तो होना है यामिनी। आप मुझे जानते हैं? तुम दो दिनों से हमारे आश्रम में ही हो। पर ये मुझे कैसे नहीं पता? क्यों, तुम्हारे पिताजी ने तुमको नहीं बताया? आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो नींद में है। साधु जी की वजह से यामिनी के साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं। यामिनी की याददाश्त पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इस दबाव की वजह से यामिनी पुरानी बातें पूरी तरह से भूल चुकी है, इसलिए आज से 10 दिन तक की बातें इसे याद नहीं रहेंगी। गुरुजी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यामिनी को ये सब बातें मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी डिस्टर्ब रहे। मैं जानता था सच का पता लगाने तुम मेरे पास आओगी। हर काम का अपना एक समय होता है। हेमंत की बातों पर शेखर को भरोसा करने में समय लगा। इसलिए यामिनी के फोन से बोल रहा हूँ। ये तांबे पर मंत्र कहाँ लिखा जाता है इसका पता कर सकते हो? सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ। ये जरा पढ़ दो ना। ये मंत्र लिखने वाला कहाँ मिलेगा ये मैं जानना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं क्या? ये तो 2-3 जगह डालने वाले हैं। वो अभी कहाँ होंगे? ये तो वहाँ एक जगह हो सकता है, सेम डिजाइन बोले तो। कौन होंगे हकीम साहब? तिरमलगिरी बोल के है ना, लाल बाजार तिरमलगिरी की बात कर रहे हैं। थैंक यू हकीम साहब। आचार्य जी का घर कौन सा है बता सकते हैं? मंत्रालय से आगे जाना, पेट्रोल पंप से राइट ले लेना। थैंक यू। स्ट्रेट से जाएंगे तो लेफ्ट में एक होटल मिलेगा, होटल के कंपाउंड में उनका घर है। ओके, थैंक यू। हेलो
आचार्य जी। साधु जी के खिलाफ जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता बच्चा। अगर उन्हें रोकना है तो किसी न किसी की बलि देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो और कोई है क्या? साधु जी के बारे में जानने वाला और कोई नहीं है। बहुत समय पहले मेरे गुरु जी ने उनसे एक व्यक्ति की रक्षा की थी। मैंने ये सब देखा था। उनकी शक्ति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनकी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु वो मरने के समान ही होगा। देखिए, जैसा भी हो, मैं यामिनी को बचाना चाहता हूँ। ये तो एक तरह की आत्महत्या होगी। किसी न किसी को बलि देनी ही पड़ेगी। इससे पूरी तरह बचना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें साधु जी से बचाने के लिए प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक को बचाने के लिए किसी और को मारना जरूरी है? नहीं नहीं बच्चा, अच्छे खासे आदमी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सालों से बीमार हो और अंत में मरने वाला हो, वो व्यक्ति भी चलेगा। तुम सिर्फ उसका खून लेकर आओ। मैं आज रात को ही तुमसे मिलूंगा। ऐसे लोगों को हम कहां ढूंढेंगे? हमारे इस प्रयोग में मदद करने के लिए एक आदमी है। तुम शाम को चले जाना, उससे खून लेना और मेरे पास आना। ये लो सर। ये जिसका भी खून है उस पेशेंट को मैं एक बार देख सकता हूँ? सर वो वार्ड नंबर 102 में है। ठीक है जी। तुम यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इनसे बचा लो, मेरे छोटे छोटे पोते हैं। मेरे सिवा उनको कोई नहीं। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। हेमंत से आखिरी बार कौन कौन कहां कहां मिला उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए। मेरा नाम बाबू भाई है, मैं शेखर का दोस्त हूं। आपकी मदद के लिए यहां पर आया हूं। ये लो। लो इसको पी लो। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही है ये यामिनी? शेखर ने बताया तुम्हें बहुत डर लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी डर हो, विभूति लगाते ही चला जाएगा। क्या चला जाएगा? विभूति नहीं, डर। ये क्या आपने इसे मिटा दिया? इसे ऐसे मिटाना नहीं चाहिए। आप अपना हाथ मुझे दिखाइए तो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है,
दोबारा लगा दिया, अब नहीं मिटेगा। मुझे भी डर। ये विभूति कैसे मिट गई? डर लग रहा है, विभूति लगा लो। विभूति लगा लो ना। अरे ये तो भूतनी है, भागो भागो। लगा लो ना भूतनी, भागो। यहां रख दो। साधु जी की आत्मा को रोकने के लिए इस धागे को तेल में डुबोकर घर के अंदर में चारों दीवारों के चारों कोने में रखना। एक पीतल की परात में तेल डालना। साधु जी को भगाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इस पीतल में डाले हुए तेल में इमली का पानी डालने से वो खून के समान लाल हो जाएगा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। हाँ मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू कहाँ है? इधर आ मेरे पास। हाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज इस वसुंधरा पर तेरा अंतिम दिवस होगा। शीघ्र मैं तुम्हें बुला रहा हूं। इस बालिका को अपनी छाया से मुक्त कर दे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। हे माँ काली, मैं तुझे आवाहन कर रहा हूँ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। साधु जी, मैं तुम्हें आवाहन कर रहा हूँ। साधु जी आवाहयामि, आवाहयामि, आवाहयामि। या माता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे जब मैं यामिनी के घर पहुंचा तो यामिनी बेहोश पड़ी हुई थी। शेखर दर्द के मारे तड़प रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन साधु जी की आत्मा शेखर में प्रवेश कर चुकी थी। साधु जी की आत्मा इसके अंदर चली। गुरु जी, साधु जी की आत्मा अम्मा पर वार करने वाली थी, फिर शेखर पर क्यों? साधु जी ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया है, बल्कि इसने खुद ही उन्हें अपने अंदर ले लिया है। जो काम करने के लिए सब डर रहे थे, साधु जी की बलि नहीं चढ़ना चाहते थे, उस काम को इसने अंजाम दिया है। अभी तक मैं सोचता था सारी शक्तियों को मैं अपने वश में कर लेता हूं, लेकिन नहीं। इसको देखो।
साधु जी की इतनी खतरनाक आत्मा को अपने विल पावर से खत्म कर दिया। आज तुम्हारी यादों में भी नहीं है शेखर, उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है। और इस तरह शेखर ने अपने जीवन का त्याग किया यामिनी के लिए, क्योंकि वो यामिनी से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। यामिनी को एहसास हुआ, पर उसके जाने के बाद लेकिन यामिनी की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेगा। चंदू एक बहुत अच्छा इंसान है, वो भी यामिनी को बहुत चाहता है। उसने यामिनी का हर पल साथ दिया। आज उसे पता भी चल गया कि यामिनी और शेखर के बीच क्या रिश्ता था, तो भी वो यामिनी को खोना नहीं चाहता। शायद यही प्यार है। हाँ, यही प्यार है।